ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये कहाँ लाए हो मुझे इस तरह आंखें बंद करके काटते? रास्ता भी जाना पहचाना नहीं लग रहा था, लेकिन जगह तो जानी पहचानी लग रही है ना? कीर्ति और नक्श कुछ दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले नक्श तुमसे कुछ कहना चाहता था। सॉरी पापा, मैंने आपसे बदतमीजी की, आई रियली सॉरी। नारा से बड़ा हूं लेकिन बड़प्पन नहीं दिखा पाया, आपसे छोटा हूं और आपको बड़ों वाला एटीट्यूड दिया। आप दोनों को मैंने बहुत हर्ट किया, आई रियली सॉरी। हर्ट नहीं बेटा, मैं बस डर गया था कि कहीं भाई बहन बाप बेटे में मिसअंडरस्टैंडिंग और ना बढ़ जाए, पर खुश हूं कि तुमने ये मैटर यहीं क्लोज कर दिया। वैसे मिसअंडरस्टैंडिंग का तो यहाँ कोई स्कोप है ही नहीं, ये तो क्लियर ही है ना कि पापा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है नारा, ऐसा कुछ नहीं है। पापा बताइए इनको, ऐसा ही है? मैं नहीं है। नारा नहीं है कुछ है। अरे कार्तिक, बहुत सुंदर है पर वाइट। इस एक वाइट में सातों रंग का रिफ्लेक्शन होता है, इस पर हम जो चाहे वो रंग चढ़ा सकते हैं। मतलब दुख, डर और शर्म सब पे एक नया रंग चढ़ा दे। खुशी का, हिम्मत का, एक नई शुरुआत का। नई शुरुआत तो मैं भी करना चाहती हूँ कार्तिक, पर नहीं, इसमें कोई इफ और कोई बट नहीं। सही कहा तुमने, जब तुम साथ हो
इफ और बट का क्या मतलब? पलकों के सिरहाने तेरा ही ख्वाब है, होठों के किनारे तेरी मेरी बात है, दिल की इस जमीन साथिया।